दोस्तों, ये है मनु जिसको आज 31st है, तो 1st को 10 महीने पूरे हो जाएंगे। तो आई थिंक एक वीक में ये बच्चा डिलीवर करेगी और इसकी ये दूसरी डिलीवरी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने एक बच्चा दिया है बस फर्स्ट टाइम, और इस बार दूसरी टाइम है। ओके ओके, यू स्टे देयर, आई एम कमिंग। एंड इसकी और एक खासियत ये है कि ये फर्स्ट टाइम, जब लास्ट टाइम ब्याई हुई थी ये 7 लीटर जितना दूध करती थी, और इस बार हमें ऐसा लगता है कि 9 या 10 लीटर दूध करेगी एक टाइम का। तो आप 2 टाइम का बोल सकते हो कि 20 लीटर दूध करेगी ये, तो बहुत ही अच्छी बफेलो है। बाकी तो हमारी बफेलोस के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते ही है हमारी सारी बफेलोस का, बफेलो मिल्किंग का वीडियोस है और बहुत सारे। तो ये अगर आप में से किसी को ये अच्छी लगे और आप बाय करना चाहते हो आउटसाइड गुजरात, तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो जो गुजरात में कोई है इंटरेस्टेड हमारे आसपास के एरिया में, तो वो अपने नंबर आप कमेंट में लिख दीजिए, रामदेव कॉन्टेक्ट करेगा आपको, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले जा सकते हो। दूसरी भी एक दो है सेल करने के लिए, लेकिन अभी उसको 2-3 महीने का टाइम है, और ये बस एक वीक या 10 दिन में बच्चा ज़रूर देगी। सो थैंक यू।
नीचे आ जाओ थोड़ा सा। ओके वहाँ पे बैठना है, ठीक है। फिर आपने देखा ये वीडियो, आज हमने जो मूंगफली होती है जो इसको खोलते हैं इसके बीज निकालने के लिए थ्रेसर मशीन से, और इसके बाद हमने रूम में अंदर डाल दिया है क्योंकि इसको एक दो दिन के लिए खुला रखना ज़रूरी होता है। और अभी टाइम हुआ है आफ्टरनून 1 o'clock, तो जो हमारे पार्टनर्स हैं जो खेत में, वो अभी खाने के लिए गए हैं, और इसके बाद वो आके इसमें से जो ये छोटी छोटी मूंगफली है इसको भी अलग निकाल लेंगे, तो सिर्फ बीज बचेंगे। तो फिर हम जब भी बारिश आएगी हम वेट करेंगे। और ये है क्या है ये? हाँ ये क्या है? इसके अंदर से मूंगफली जैसे पीनट्स निकलते हैं, देखो अंदर में नहीं बाहर, इसका कवर होता है। ओके तो बस रामदेव गया है पोरबंदर, कुछ काम था बैंक का और वो सब, एंड मम्मी गए है आज एक फंक्शन है तो वहाँ पे, एंड हमने बहुत ही एक स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रेस में वीडियोस बनाने की कोशिश की है, 2-3 है, हमें 1 by 1 ऐड करते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। एंड बस ये आप देख सकते हो बीज ऑलरेडी जो हम उगाने वाले हैं मूंगफली का, और बहुत सारे लोग पूछते हैं तो हाँ हमारी साइड में ज़्यादातर मॉनसून में ये आई कैन सी यू ज़्यादातर सब लोग मूंगफली उगाते हैं, और फिर विंटर के टाइम में धनिया या फिर जीरा वो उगाते हैं, तो डिपेंड्स होता है कि बारिश कितनी होती है उसके हिसाब से। तो आज मैंने तो कुछ नहीं किया, थोड़ी देर ही गई थी मैं, और बाकी जो मज़दूर लोग थे तो उन्होंने ही सब किया था काम, और फिर रामदेव और मम्मी भी गए थे, तो बस अभी मैं पापा और ओम है यहाँ पे, एंड ओम अभी यहाँ पे ऊपर बैठा है। और हमने जो पहले इसमें पानी डालते हैं 1 घंटा तक रखते हैं जैसे, उसका वही होता है मेन कि जैसे इसके जो 2 parts होते हैं वो नहीं होते हैं, आप देख सकते हो बहुत कम हुए हैं जैसे कि ये, क्योंकि जब ये 2 parts हो जाएंगे एक बीज के तो फिर ये उगेगा नहीं, तो इसीलिए ऐसे। तो अगर ये पूरा होगा ऐसा बीज तभी वो अच्छी तरह से निकल पाएगा। तो बस अब हम फार्मर्स इसी टाइम पे सब लोग वेट करें बारिश की। ओह आई सी यू आर वेरी टॉल। अभी मैंने सब क्लीनिंग ख़त्म किया, कुकिंग किया, अब पता नहीं ओम को कुछ खाना है, अब मैं ओम के लिए बनाऊंगी खाना, और फिर थोड़ा सा ओम को खाना है चिप्स मीठू सॉस, वो उसकी नई स्टाइल है बोलने की, तो वो चिप्स में मैं सॉल्ट डालती हूँ और सॉस के साथ खाते हैं, उसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। हाँ होता है। अच्छा यहाँ पे भेज जाओ मम्मी के पास 1 minute बस। ओह और कुछ कहना है? ये कौन फनी फेस बना रहा है यहाँ पे तुम? और कल ओम ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था, वो वीडियो भी जल्द ही आएगा तो ज़रूर देखना, एंड कीप वॉचिंग। क्या कहना होगा मुझे वो नहीं आता, कैसे कहते हैं कीप वॉचिंग, क्या क्या कहना है? वो क्या कर रहे हो तुम? फिर हंस रहा है, खुद ही फेसेस बना रहा है और फिर हंस रहा है। ओके पापा कहाँ पे गए, दोस्तों को बोलो। ओम नाउ स्टॉप इट। ओके सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो जल्दी से हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ओह व्हाट वाज दैट? क्या था? टेक केयर। What is K? ओम उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आ जाओ, चलो गुड बॉय। नो आई एम टू गो यू। रियली? या गो बाय, बस स्लोली स्लोली। नो 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 यू डोंट नीड टू जंप। ये हमने इसलिए रूम में डाले हैं, हम बाहर जहाँ पे ओम खेलता है वहाँ पे नहीं डाल सकते, और पूरे बाहर भी नहीं डाल सकते क्योंकि किसी भी टाइम बारिश आ सकती है, या रात को जैसे बाहर के जो कुत्ते वो होते हैं तो वो बिगाड़ देते हैं, तो ये रूम हम लॉक करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर ओम यहाँ पे 1 या 2 घंटे रहेगा तो आधे जो हमारे बीज है उसको तो वो वैसे ही हाफ कर देगा, तो इसीलिए हमें ये लॉक करके हम रख सकते हैं। मुझे बोलना है। ओ नीचे बैठ के बोलो तो तुम्हारा फेस दिखेगा। हम जब हमने ये बाहर में डाल दिया तो बारिश आ सकती है, फिर हमें छाता लेना पड़ेगा। हाँ
जब थोड़ी सी भी बारिश आएगी ओम को छाता की तो जरूरत पड़ेगी, है ना? हाँ, और जब बहुत बारिश होती है फिर ओम नहाने जाएगा बारिश में। मुझे कहना है ओके, जब हम ये बाहर में डालते हैं तो बारिश आती है, फिर हमें छाता लेना पड़ेगा, फिर मांडवी पानी हो जाएगी। ये सब पानी हो जाएगा अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो। ओके तो चलो अब मैं चिप्स बनाती हूँ ओम के लिए, और दोस्तों को बाय बोल दो जल्दी से। बाय 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 से व्हाट इज दैट सी यू इज इट लाइक दैट Oh, see you next time. See you soon in the next video. Thank next you. Time. Bye-bye. Bye.